No, 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 no. मस्त लाइन हो गई। बाबा गोल टोपी वाले ढिल्ले पैजामे वाले ये बाबा बहुत कड़क बुड्ढा था, बहुत दौड़ा है बाप उसने, क्या गावरान घायल था क्या मालूम। ये कचरा पेटी भी नहीं आया अभी तक और डोली भी नहीं है अभी तक। बाकी पक्का बुड्ढा था बाप, बहुत बुरा बुरा दौड़ा है उसने। अरे मेरे बाप रे, जूता बहुत भारी है, एकदम हॉकी बने रहे। अरे वो काम तो हो गया अपना, मस्त लाइन हो गई, एकदम न्यू है रे। अरे वाह, लेडीज का भी मिल गया। ये तो महंगा बेचूंगा, ऐसा महंगा बेचूंगा ना। अरे मेरे बाप रे, दुल्हन की भी चप्पल मिल गई, इसका तो भाव ज्यादा मिलेगा अपने को। वाह, एकदम दुल्हन की चप्पल है, आज तो अपुन ने कमा ले। अभी तक क्यों नहीं आ रहे ये? कचरा पेटी और डोली इतना लेट कर देती ना आदमी को। अरे कहाँ मर गए थे कब से, मेरे पहले तुम आते यहाँ पे। अबे जानी दादा, ये डोली से आगे नहीं जाता, तू गाड़ी गाड़ी उसको मेरे साथ भेज देता। ऐसा मेरे पे इल्जाम लगा रहे तू, खुद से तो भागा नहीं जाता, बीड़ी फूक फूक के तो पूरे फेफड़े खराब कर लिए, एक दिन तुम्हें तो जरूर मार खिलवाएगा। तू उसकी बुराई कर रहा, वो तेरी बुराई कर रहा, बंद करो तुम्हारे खट्टे घराने। इतनी देर क्यों लगी इतना बताओ मुझे। बहुत रिस्की धंधा है जानी दादा, हमको तो माल ही नहीं मिला, जरा सी पे रह गए ना तो अब भी मार खाते थे हम। अरे बस तो मैं भी गया, सुनो मेरे साथ क्या हुआ। डौली सुन, हाउ रेडे बावले सुन ले क्या बोल रहा। एक बस से पक्का करता, एकदम बिल्डिंग टाइप जैसा मैं, और देखा दर्जे के पास गया और दर्जे को ठोका, एकदम खूबसूरत लड़की घर में से निकली, इससे भी खूबसूरत। उसने बोले कौन, मैंने बोला पहचान तो मैं तेरा। जो घर में से उसका बाप निकला, जो दौड़ा उसने मुझे, ऐसा दौड़ा डायरेक्ट यहाँ पर आकर बैठा। अबे जानी दादा, मैंने भी तो तेरे से बुरा करा, एक आदमी ना वहाँ पान खा रहा था, मैंने उसको जाके पूछा मौला कितना बजा, उनने जैसी बोला 5 बजा, उसका सारा कुर्ता लाल हो गया। क्या रे डौली, खाली हाथ हिलाते हिलाते आई हा? अरे कहाँ से लाओ जानी दादा, लोगों के दिल में इतनी दहशत बैठ गई कि सब लोग अपने घरों के अंदर चप्पल उतार रहे हैं, बाहर कोई चप्पल ही नहीं उतार रहा है। ऐसा बाहर क्यों नहीं उतार रहा? अरे बावली, शेर जब शिकार करता ना तो बराबर शिकार करता है। तुमको मैंने चोर बनाया, तेरा काम है घुस के चोरी करना, अब मुझे आगे बताती तो। जानी दादा नहीं मिले, अरे चप्पल नहीं मिले, वो अलग बहाना बता रहा, तू अलग बहाना बता रही, येड़ा बना के रखी क्या मुझे। अरे जानी दादा, इतना सारा माल लेकर आया तूने, अब एक काम कर, दत्तू मोची को फोन लगा, अब इसका रोकड़ा कर और शाम का बंदोबस्त कर। आज की ताजा खबर बिगन दादा जेल से भरा, आज की ताजा खबर। अरे मेरे बाप रे, बिगन दादा जेल तोड़ के फरार हो गया। ये क्या बोल रहा है जानी दादा, भिकन दादा फरार? अब उन तीनों मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे मालूम है क्या। तू सही बोलता जानी दादा, 6 महीने से भिकन दादा बंद था, अपन उसको जागने भी नहीं गए। कचरा
अपन जेल में उसको एक खाने का डब्बा भी नहीं लेके गए रे, एक बिस्किट का पूरा भी नहीं लेके गए, एक बीड़ी का बंडल भी नहीं लेके गए अपन। अबे अपनी तो कुछ जूते में दाल बांट रही, अबे लोगों के जूते चपला चुरा चुरा के तो पेट भर दे अपन। आखिर कब तक ऐसा चलेगा, सुबह का है तो शाम का नहीं, शाम का है तो सुबह का नहीं। इससे तो अच्छा होता हम लोग भी भिखन दादा के साथ जेल में बंद होते और मुफ्त की रोटी तोड़ते। अब कोई जेल की रोटी नहीं तोड़ेगा। अरे भिखन दादा, भिखन दादा हाँ मैं। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है। अबे मुझे 6 महीने क्या हुए अंदर जाने, जूते चप्पल की नौबत आ गई। अबे जिन हाथों में लेग पीस हुआ करते थे वो हाथ छा भटर को तरस रहे। फिकर मत करो, अब आ गए भैर भिकन, तुम लोग रोज खाएंगे चिकन। चले ये कचरा पट्टी, ये कचरे में से मेरे जोड़ का चप्पल निकाल। चप्पल निकाल, भाई के पाँव में चप्पल नहीं है। बस बहुत हो गया, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। एक तो कोरोना वायरस ने सबको उबगा के रखे ले, और उसमें भिकन दादा ने जेल में 2-4 छीके क्या ले ली, तुमने उसे कोरोना वायरस का पूरा फायदा उठाने दिए। और उसको छोड़कर भाग गए और यहाँ ऑफिस में खर्राटे लेके सो रहे। अरे साहब खाली भिगन दादा की बात थोड़ी थी, पूरे लॉकअप में कैदी लोग चीखा मार रहे थे, किसको अपनी जान प्यारी नहीं है लगाए वहाँ पे। और सर मैंने तुम्हारे भरोसे ही लॉकअप की कड़ी खोल दिया कि तुम उनको बाद में पकड़ लेंगे। शट अप। आमिर खान की एक फिल्म आई थी 3 इडियट, और तुम है 2 इडियट। सर आपको मिला लिया जाए तो 3 हो जाएंगे। गुच्चू बैठो, ये अखबार देखो, हर अखबार में हमारी थूथू हो रही थूथू। 2 कौड़ी के रिपोर्टर भी हम पे उंगली उठा रहे। पुलिस स्टेशन को सबने उगलदार समझ लिए, कोई भी आएगा थूक के चले जाएगा। अरे बेबे, जब तक मेरे जैसे बहादुर ऑफिसर जिंदा है तो मैं ये होने नहीं दूंगा। सर काकरोच, ए काकरोच, अरे बाप रे, ए अकल अकल जल्दी उसको, अरे बुरी गत के मार रहा क्या अकल अकल, अरे बाप रे। बच गया नहीं तो तुम्हारे हाथ से मारा जाता। हाँ बस करो बस करो। हाँ काकरोच से तो अच्छे अच्छे घबरा जाते। ए होम मिनिस्टर आ, ए ये सीधा करना, ए तू जा होम मिनिस्टर के लिए पानी ला जल्दी। नो 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 नो। सर इंस्पेक्टर खान। यस सर। गल्लो गल्ली फोकट भाव बिक रहा चिकन, और तुमको नहीं मिल रहा बिकन, कहीं शर्म मिलती हो तो खरीद के ला के मुझे दे दो, मैं उसमें डूब मरना चाहता हूँ। नहीं सर, देश को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, या तो भिकन मरेगा या मैं। पुलिस बे छुपा रहे, मुझे पीछे तू का इधर हो, ये कचरा आगे आ रहे। ए भिकन, ए भिकन, वो पुलिस नहीं है, होम गार्ड है। अरे डर रहा रे, बोले मैं जेल में जाके आया, अरे डर रहा। अबे अप्पा तू ना, अबे कलेजा मुंह को आ गया था मेरा मालूम क्या, और 6 महीने जेल में गया क्या, ज्यादा शहन हो गए तुम लोग। और सुन बे जानी, ये भिकन है ना पुलिस उलिस से डरता नहीं है क्या, समझी क्या, वो क्या है ना अपन वर्दी की इज्जत करता है, तो खान को इतना धोता था पकड़ के मैं। अरे तेरे भाई ने डराया क्या नहीं तुझे, ए डराया क्या नहीं। इंस्पेक्टर खान तू। हाँ मैं। तू क्या समझता है कि कोरोना वायरस का फायदा उठाकर ये मास्क मुंह पर लगाकर तू मेरी नजरों से बच के निकल जाएगा। और क्या बोल रहा था तू, ये वर्दी की इज्जत करता है तू, चल उतारता मैं ये वर्दी। नो 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 नो। ले वर्दी पकड़ रहे। वो साहब मुझे नहीं होगी वो। क्या बात आ रही है बाप, दोहिल भी नहीं है।
ये ले पकड़ रे। जानी दादा कचरा पेटी है ना उतारे कपड़े पहनता नहीं। ए खजूर मैंने ते को वर्दी संभालने दिया पहनने नहीं दिया समझा क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद तुम दोनों को इसको संभालना पड़ेगा इसको। इंस्पेक्टर खान तूने वर्दी उतार के बहुत बड़ी गलती की, अब तू मेरी गोली से मरेगा। डॉली ला तो मेरी बंदूक। ओह नो। डॉली डॉली ये क्या कर रही है डॉली? मैं डॉली नहीं इंस्पेक्टर जीनत हूँ। इंस्पेक्टर जीनत? तो फिर डॉली कहाँ है? तुम्हारी डॉली वो रही। चलो सबके सब अब जेल में चलकर चक्की पीसो। अफसोस पकड़े जाने का नहीं इंस्पेक्टर साहब हमारा। अफसोस पकड़े जाने का नहीं है तो फिर काय काय? नहीं समझे? मैं समझा रहा ना, दिवाली आ रही ईद आ रही लोग नए चप्पल नए जूते लेंगे ना तो हमारा सीजन हो जाता था ना। क्या? हाँ। हाय दोस्तों, जानी जूता चुराने वाला तुमको अच्छा लगा तो लाइक करो और हाँ दोस्तों शेयर भी करो और हाँ दोस्तों अच्छी अच्छी कमेंट जरूर लिखें और हाँ घंटा दबाना ना भूले और हाँ मेरे दोस्तों हमारा चैनल खानदेशी पंचू को सब्सक्राइब करो।